वेलकम बैक टू मधुस किचन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में रेसिपी शेयर करूंगी। जैसा कि मेरे जो व्यूवर्स होंगे उन्हें पता है कि मैं सारी रेसिपीज को बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में शेयर करती हूं, ताकि जो बिगिनर्स है, जो किचन में मतलब कुकिंग में न्यू है, उन्हें भी इजीली हो सके कुकिंग को सीखने में। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मजेदार और टेस्टी रेसिपी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ परवल की मसालेदार सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। परवल की ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है, पूरी पराठा या चावल के साथ आप खाइए, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो जिसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून सरसों के तेल को गर्म होने के लिए दिया था। तेल जब गर्म हो जाए तब हम उसमें 2 तेज़पत्ते ऐड करेंगे, और साथ ही 2 बारीक कटे हुए प्याज को ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें लगातार चलाते हुए 5 से 10 मिनट तक भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन को मैंने कूट के रखा था और इसे ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे परवल को ऐसे बारीक करके काट लिया है, पतले पतले करके काटा है। इससे क्या है, परवल जल्दी मतलब रेडी हो जाएगी, पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अब हम प्याज को थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें परवल को ऐड कर देंगे और इसे चला के अच्छी तरह से मिला लेंगे मसालों के साथ। और इसे हमें 5 से 10 मिनट तक भुनना है, लो मीडियम फ्लेम पर भुनिएगा, ताकि आपकी जो सब्जी है जले ना और हमारे जो परवल है भुनते हुए सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए थोड़ी देर बाद जब परवल हल्की हल्की सॉफ्ट हो जाए ना, तब उसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो 1/2 छोटा चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, और नमक आप लोगों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। तो नमक को ऐड करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, ताकि हमारी जो सब्ज़ी है थोड़ी सी स्पाइसी बने। तो रोटी और पराठे के साथ ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, आप चाहे तो चावल के साथ भी खा सकते हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा और धनिया पाउडर ऐड करूंगी, दोनों को मैंने मिक्स करके ले लिया था 1/2 चम्मच। अब इसे भी मसालों को हम ना परवल के साथ अच्छी तरह से चला के भून लेंगे। मसालों को आपको तब तक भूनना है जब तक कि सब्जी जो हमारी है आपको देखने से सॉफ्ट ना लगे। तो मसालों को अच्छी तरह से भूनिएगा, और जितनी देर तक आप मसालों को भूनिएगा ना, तब तो आपकी जो सब्जी है ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब मैं इसमें बारीक कटे हुए 1 टमाटर ऐड कर दूंगी और इसे भी सब्जी के साथ चला के मिला लूंगी, ताकि मसाले भूनते भूनते हमारे जो टमाटर है वो भी मतलब सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। तो देखिए 15 मिनट तक मैंने सब्ज़ी को लो मीडियम फ्लेम पे भुना था, तो सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। लेकिन अब हम इसे थोड़ी देर तक और भून लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से मैंने रेडी हो जाए। तो इस सब्ज़ी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो गरम मसाला पाउडर है ऐड कर दूंगी, एकदम हल्का सा ही ऐड किया है, सब्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। अब देखिए सब्ज़ी को काट के हम देखेंगे तो आलू देखिए हमारी पक गई है। तो अब हम सब्ज़ी को निकाल लेंगे, मतलब सर्व कर देंगे। तो अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मैंने सब्ज़ी को गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व किया है, आप अपनी इच्छा अनुसार चावल, पूरी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैंने इसमें आलू को भी यूज़ किया था। अगर आप लोग चाहें तो बिना आलू का भी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो आज की ये बिहारी आलू परवल की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।